हमें ना इनके घर पहुंचने से पहले ही पहुंचना होगा, क्योंकि अगर ये पहले पहुंच गए तो हम बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। तूने आरिफ भाईजान को बताया नहीं? नहीं, हमने इनको कुछ भी नहीं बताया है। अरे जब से हमने इनको बताया है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तब से ये हमारी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगे हैं। हमें कहीं बाहर जाने से साफ मना कर दिया है इन्होंने, और झाड़ू पोछा भी नहीं करने देते, वो भी खुद करते हैं। हाय अल्लाह हमें भी आरिफ भाईजान जैसे शौहर दे जो हमें इतना ही प्यार करे। हाँ सच में हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आरिफ मिले। अभी खबर मिली है मुंबई में 3 जगहों पर बम धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है सिद्धिविनायक, बोरीवली स्टेशन और बांद्रा मार्केट में ये बम धमाके किए गए। हमले के पीछे कौन है ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन एक बार फिर से मुंबई में बम धमाके हुए। हेलो भाईजान, जिस लोकल ट्रेन में बम धमाका हुआ इसमें भाभी जान और आफरीन दीदी थी। हॉस्पिटल से कॉल आया है। नन्ना नासिर क्या बोल रहे हो तुम? भाईजान अस्पताल पहुंची जल्दी आप। तुम सब रखो हमारे। अस्सलामु अलैकुम। सलाम सलाम। आज जल्दी आ गए? हाँ आज काम जल्दी खत्म हो गया तो घर चले आए। अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ तुम पानी ले आओ। माशाल्लाह आज मिठाई किस खुशी में लेके आए हैं आप? क्योंकि तुम्हारे शौहर को प्रमोशन मिला है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी आपने। और हम दुबई जा रहे हैं, चलो मुंह मीठा करो। हाय अल्लाह दुबई? क्यों खुश नहीं हो तुम? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। हम बस सोच रहे थे कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तुमको क्या लगता है मैं अकेले जा रहा हूँ दुबई? अरे तुम भी साथ चल रही हो सान्या। सच? हम तो डर ही गए थे कि इस हालत में आपके बगैर कैसे रहेंगे। हालत में मतलब? वो आज हम हॉस्पिटल गए थे। एक मिनट, हॉस्पिटल क्यों गई थी तुम? डॉक्टर ने हमें बताया कि हम प्रेग्नेंट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने हमसे छिपाई। सान्या अरे तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे कम से कम एक फोन तो कर दी। हम बताने वाले थे आपको, सरप्राइज देने वाले थे। बैठो बैठो अब तो मुंह मीठा होगा। तो सुनिए। अरे सान्या बैठो और सबसे पहले मुंह मीठा करो। मुंह खोलो मुंह खोलो चलो। और अब क्या अकेले ही खाओगी? ये अकेले नहीं कर रही हो तुम, इसकी हकदार हम भी हैं। खिला रहे हैं, मुंह खोलिए। आहा हा हा, इस खुशखबरी के साथ इस मिठाई का स्वाद दुगना हो गया। आज सच में बहुत खुशी का दिन है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे निकाह को 6 महीने हो गए, और हम आपसे कितनी बार शिकायत करते रहे कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। अल्लाह का करम देखिए हम दुबई जा रहे हैं, वो भी 4 दिनों बाद। इतनी जल्दी कैसे जाएंगे? अरे हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। सब हो जाएगा सान्या, घबराओ मत। 4 दिन है तुम्हारे पास, इत्मीनान से तैयारियां करो, और फिर उसके बाद तुम मैं और हमारा होने वाला बच्चा सुकून का जीवन बिताएंगे इंशाल्लाह। आमीन। Thank you.
सान्या, मैं आया जरा बाहर से। अच्छा ठीक है। हेलो। भाई ने दावत पर याद किया है। अभी? हाँ, जल्दी पहुंचो। ठीक है। सान्या। हाँ? सान्या, हमको ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस से फोन आ रहा है, कोई जरूरी काम है। ऑफिस? इतनी जल्दी? क्या टाइम हुआ है? नाश्ता भी नहीं किया है आपने? नाश्ता तो करते जाए। नाश्ता हो जाएगा सान्या, लेकिन तुम ना बाकी की तैयारियां करके रखो, सब पैकिंग कर लेना। उसकी चिंता आप ना करें, हम करके रखेंगे। ठीक है। अरे तुम सब तैयारियां करो, हम फटाफट तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। हाँ वो तो हम कर लेंगे, पर आप कुछ तो खाते जाइए। अरे नहीं, ऑफिस में खा लेंगे और पहुँच के तुम्हें फोन भी करेंगे। ठीक है। आपके इत्र की खुशबू हमें बहुत पसंद है। और हमें तुम्हारी। अच्छा आज एक काम करना कि घर से बाहर मत जाना। क्यों, आज क्या है साहब? क्यों मतलब क्या? तुम्हारे शौहर ने बोल दिया तो बस बोल दिया। और वैसे भी अब तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, इस नन्ही सी जान का ख्याल भी तो रखना है ना। फोन आ रहा है, बोल रहे थे ना ऑफिस से फोन आ रहा है, आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक। फोन उठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आपका बैग बैग बैग। ख्याल रखना जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। NIA और रॉ को हमारे इस हदफ के बारे में इत्तला लग चुकी है, और जहां तक मेरा अंदेशा है वो लोग बहुत जल्द ही मुंबई में हाई अलर्ट जारी करेंगे। इसीलिए हमें अपने इस मकसद को आज ही अंजाम देना होगा। अब अगर इन लोगों ने जल्दी दावत खाने का सोच ही लिया है जल्दी ही सही। 1993, 2003, 2006 और 2011 में जो करिश्मा मुंबई को दिलाकर हमारे भाइयों ने दिखाया था, अब उसी करिश्मे को दोहराने की बारी तुम्हारी है। हमें ये जताना है उन्हें कि हम अभी तक सोए नहीं, बल्कि इन काफिरों को दोजख के दरवाजे तक कंधा देने के लिए तैयार खड़े हैं हम। तो मेरे जंगी बहादुरों, तैयार हो ना तुम सब? तैयार हैं। तुम सबको तुम्हारे हदफ तो याद है ना? मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं। अजीम, तुम्हारा हदफ है सिद्धि विनायक मंदिर। जहीर जी आका, तुम्हारा हदफ है बांद्रा मार्केट। और तुम्हारा? बोरीवली स्टेशन। भाईजान आप जरा भी फिक्र ना कीजिए, हमें सब याद है कब और कहाँ क्या करना है। आप सिर्फ बंबई में धमाके करने का फरमान जारी कीजिए। हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा तहलका मचाएंगे कि वो जिंदगी भर भूल ना पाएंगे। बहुत खुश नसीब हो तुम लोग जो आका ने तुम्हें जिहाद करने का मौका अता फरमाया है। गाजी का खिताब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आमीन। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। अल्लाह आपको हर खुशी से नवाजे। हाय अल्लाह, दो दिन बाद तो इनका जन्मदिन है और कल हम दुबई निकल रहे हैं।
हमें आज ही इनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आना होगा। दुबई पहुंचते ही सरप्राइज दूंगी इन्हें। फोन कहाँ है हमारा? हेलो, हाँ आफरीन, सुनना, दो दिन बाद इनका जन्मदिन है और तुझे तो पता है ना हम कल दुबई निकल रहे हैं। हाँ हाँ, तो हमें इनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है, तो मेरे साथ मार्केट तक चलना। ओहो, क्या दे रही है गिफ्ट में? बताती हूँ, तू मिल तो सही। अच्छा ये तो बता, मिलना कहाँ है? मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से, तू मुझे 15 मिनट में कांदीवली स्टेशन में। ठीक है। शनाख्त कीजिए। शनाख्त? शनाख्त?
डॉक्टर साहब, हमारी सानिया नहीं है ये। हमारी सानिया के चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी सानिया नहीं हो सकती। नहीं 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 आरिफ 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 नहीं डॉक्टर साहब, नहीं सानिया नहीं डॉक्टर साहब, नहीं कह दो झूठे डॉक्टर साहब। शनाथ कीजिए। सानिया इधर देखो, हमारी तरफ तुम्हारा शौहर। सानिया तुम्हें पता है ना, तुमको और हमको दुबई जाना है ना सानिया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी, मैं काम से देरी से आता हूँ, लेकिन अब उठो ना सानिया। अरे उठो उठो सानिया, तुम्हारा आनंद तुझे उठा रहा है सानिया। उठ जाओ सानिया, उठ जाओ ना। अरे क्या देखिए डॉक्टर साहब, हमारी सानिया को क्या हो गया ये? सानिया, हमारा बच्चा सानिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? अरे मेरा नाम जमीउल्लाह हमजा है और तेरे वालिद का नाम सनाउल्लाह साकिब। मैं तकरीबन एक साल से हिंदुस्तान में आरिफ खान के नाम से स्लीपर सेल बनकर रह रहा हूँ। आज जो बम्बई में बम धमाके हुए हैं ना, वो मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर किए हैं, जिनका नाम जहीर खान, अजीम शेख और इलाम रिजवी है। और बम्बई की ट्रेन में जो बम धमाका हुआ है ना, वो मैंने किया, जिसमें मेरी शरीकी हयात सानिया खान और मेरा होने वाला नन्ना मुन्ना बच्चा जो उसके पेट में था, बम धमाके में मर गया। सानिया से मेरा निकाह 6 महीने पहले हुआ था। मैं सानिया को बेशुमार मोहब्बत करता था, लेकिन मुझको ना जिहाद करने के लिए कहा। मुझको क्या मालूम था कि वो जिहाद मुझसे मेरी सानिया को और मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं आज उन सबका पर्दाफाश कर दूंगा अपनी सच्चाई बताकर। सब जिहादियों का पर्दाफाश कर दूंगा जो मासूम छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जिहाद के नाम पे जहर और नफरत का बीज बोते हैं। मेरी खुद की ट्रेनिंग लश्कर कैंप मंशेरा घड़ी हबीबुल्ला में 21 दिन के लिए हुई। उसके बाद 5 महीने का दौरा है खास मुजफ्फराबाद में हुआ, जहाँ एक मरतबा हाफिज सईद और दूसरी मरतबा जाकिर रहमान लखवी से मुलाकात हुई। इन लोगों ने ना मुझको जिहाद करने के लिए कहा और डटे रहने के लिए कहा। इन लोगों की लश्कर की तंजीम FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन से होती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी और सऊदी अरब से इन लोगों को फंडिंग आती है, और वो सारा पैसा FIF के मुजफ्फराबाद कैंप से मुजाहिदों की ट्रेनिंग पर जाता है। ये लोग मस्जिदों में बड़े बड़े जलसों में बैनर लगाते हैं ताकि कश्मीर में रह रहे मजलूम मुसलमानों की मदद की जा सके। हाफिज सईद ने 450 ह्यूमन बॉम्ब तैयार किए हैं, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर दहशत फैलाने का काम करेंगे। लेकिन कोई अपना मरता है ना, जिसको आप बेशुमार मोहब्बत करते हैं,
तो उसके जाने का दर्द दर्द नहीं रह जाता बल्कि एक धीमा जहर बन जाता है जो आपको हर रोज खत्म करता है, हर रोज। सान्या मुझे माफ कर देना, मैं ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि अपने होने वाले बच्चे का भी गुनहगार हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।